हेलो गाइस मोस्ट वेलकम हम कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और आज का लेक्चर नंबर थर्ड है पार्ट नंबर थर्ड है आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशन एंड वारंटीज़ इसको समझने के लिए एक फ़नी एग्जांपल है अगर आप इसको समझेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा उसको देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और एक कॉन्सर्प्ट बताऊंगा फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे तो चलिए देखिए इसको

काटन काटन का हटन काटन काटन का हटन सुबह बनेगी माधुरी शाम को रेखा ठीक है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं यहाँ पर हमारे इससे इसका क्या लेना देना तो देखिए मैं बताता हूँ आपको हमारा जो टॉपिक है ना वो कंडीशन एंड वारंटीज़ है और कंडीशन एंड वारंटीज से पहले एक वर्ड आता है स्टिपुलेशन क्या वर्ड आता है स्टिपुलेशन वर्ड का नाम क्या है स्टिपुलेशन वो स्टिपुलेशन क्या होता है उसके लिए मैंने ये फनी एग्जाम्पल लिया है देखिए ये जो है ना ये कौन है ये हमारे इस केस के अंदर है सेल्समैन ठीक है हाँ तो ये सेल्समैन जो है वो गुड्स को सेल करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देता है तो सेल्समैन बायर को गुड्स सेल करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देता है अलग अलग तरीके से तो यहाँ पर ये जो भाई साहब काटन 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 सुबह बनेगी माधुरी शाम को रेखा काटन 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 है ना तो ये जो बोल रहा है इसको बोलते हैं स्टेपुलेशन क्या बोलते हैं स्टेपुलेशन तो स्टेपुलेशन का मतलब क्या हो गया ये तो फनी एग्जाम्पल है यहाँ पर भी ये जो कह रहा है वो स्टेपुलेशन ही है अब स्टेपुलेशन बहुत तरीके के होते हैं मैं आगे, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं कुछ नहीं होते है. लेकिन स्टेपुलेशन वर्ड का मतलब ये है जो यहाँ पर सेलर स्टेटमेंट दे रहा है जो यहाँ पर सेलर जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भैया ये गुड्स ले लो आप और इससे ये होगा ये स्टेपुलेशन होते हैं अब एक एग्जाम्पल मैं आपको फनीसा एक और देता हूँ उससे आपको और समझ में आएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर ये वाला जी भाई यार मेरा भाई शादी में जाएगा कोई शर्ट दे दो अच्छा भैया ये लो अच्छी है की है भैया पांच सौ रुपए की भैया घर जाके चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम होता चेंज कर दोगे ना अरे भाई प्रॉब्लम होगी ये सारा माल इम्पोर्टेंट है मेड इन पीछे वाली अबे भाई ये क्या दे दिया क्यों भाई क्या हो गया अबे भाई ये तो छोटी बड़ी है छोटी बड़ी मतलब शर्ट बड़ी है और भाई छोटा है नहीं मतलब शर्ट छोटी और भाई बड़ा है अरे नहीं यार तो भाई कैसे छोटी बड़ी है अरे शर्ट की आस्तीन छोटी बड़ी है अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है अरे एक मिनट छोटे पहन के दिखा अरे समझ गया तुम्हारे भाई के कंधे और हाथ छोटे बड़े हैं अरे यार उतर ये उतारे एक आस्तीन और ये दूसरी आस्तीन तो कोई बात नहीं दूसरी हैं क्यों रहे हो इतना ये लो <laughs> यहाँ पर देखा यहाँ पर भी कुछ स्टेपुलेशन बोले गए कि जो शर्ट है वो इम्पोर्टेड है बहुत अच्छी है बिल्कुल आ जाएगी इसको है ना तो ये रिप्रेजेंटेशन जो बोले गए हैं ना स्टेटमेंट बोले गए सेलर के द्वारा वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जबकि इससे पहले जो हमने काटन 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 सुबह बनेगी माधुरी है ना शाम को रेखा वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन थे दोनों स्टेपुलेशन वो लेस इंपॉर्टेंट थे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे ये इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसने बोला था इम्पोर्टेंट है और शादी में काम आ जाएगी और एकदम सही है और माल के डिफेक्टिव निकला एक लंबी थी हाथ में और एक छोटी थी है ना उसकी बाजू तो यहाँ पर इसने क्या किया ये जो स्टेपुलेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस वजह से वो रिप्लेसमेंट करके दी उसको शर्ट और बायर का राइट है कि वो इस स्टेपुलेशन इस स्टेटमेंट के बेसिस पर एक तरीके से वारंटी दे दी गई है और उसको वो रिप्लेस करवा सकता है है ना इसकी जगह वो पैसे भी वापस ले सकता था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है खारिज भी कर सकता था तो यहाँ पर इसका मतलब अभी तक हमें इन दो फनी वीडियो से ये समझ में तो आ ही गया है कि जो स्टेपुलेशन होती है वो क्या होती है अब स्टेपुलेशन तो समझ में आ गई कि सर स्टेपुलेशन क्या होती है ठीक है अब स्टेपुलेशन जो है वो दो तरीके की होती है ठीक है एक सेकेंड बस यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ उसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं हाँ चलिए जी सो कंडीशन एंड वारंटी अब कंडीशन एंड वारंटी के अंदर कंडीशन एंड वारंटी को अच्छे से अगर आपको समझना है किसको कंडीशन एंड वारंटी को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यहां पर आपको कि ये जो कंडीशन एंड वारंटीज हैं ये पूरी की पूरी बेस्ड होती है किसके ऊपर स्टेपुलेशन के ऊपर और स्टेपुलेशन मैंने आपको बताया क्या होता है स्टेपुलेशन क्या होता है देखो यहाँ पर और समझ लेते हैं स्टेपुलेशन ठीक है अब स्टेपुलेशन का मतलब क्या होता है जो सेल्समैन सेल करते टाइम जो स्टेटमेंट्स दे रहा है जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो बातें बोल रहा है वो बातें क्या क्या हो सकती है गुड्स के नेचर के बारे में हो सकती है और बायर को वो गुड फिट होगा या नहीं बायर के लिए वो सही है या नहीं उस बारे में हो सकती है तो ये स्टेपुलेशन हो गए ताकि वो गुड सेल हो जाए और उसे बायर को भी बेनिफिट हो सकता है लेकिन कई बार स्टेपुलेशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं यानी कि दो तरीके के हो गए वेरी लेस इंपॉर्टेंट वेरी लेस इंपोर्टेंट जो वेरी लेस इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं माना जाता कि इसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा क्यों कोई भी समझ सकता है कि इसको पहनने से कोई माधुरी और रेखा थोड़ी बनेगी जो है वही रहेगी ठीक है ओके तो ये लेस इंपॉर्टेंट हो गया और कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेपुलेशन और जो इंपॉर्टेंट स्टेपुलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेपुलेशन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं स्टेपुलेशन वो फर्दर दो तरह के होते हैं वे फर्दर दो तरह के होते हैं एक तो वे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हैं कैंसिल करवा सकते हैं है ना ऐसे स्टेपुलेशन जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला और वो उस गुड्स के बारे में सही नहीं है तो बाहर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का एक मेजर पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको बहुत अच्छे से शामिल किया गया है ऐसा स्टेपुलेशन तो वो जो है उसको बोलते हैं हम कंडीशन आई होप आपको दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं कंडीशन उसको हम कंडीशन बोलते हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इंपॉर्टेंट तो है है ना उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता लेकिन वो उस उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल नहीं होगा है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा नॉट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी या वुड बी कैंसिल्ड कैंसिल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा तो उसको हम वारंटी के अंदर शामिल कर लेते हैं उसको हम वारंटीज के अंदर शामिल कर लेते हैं उसमें क्या होगा गुड्स रिप्लेस हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा स्टेपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन और ऐसा स्टेपुलेशन जिससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन लेकिन उस गुड्स का रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ होगा तो उसको हम वारंटी के अंदर लाते हैं तो इसका मतलब अभी हमें यह समझ में आया कि स्टेपुलेशन क्या होता है स्टेपुलेशन का मतलब हो गया सेल्समैन जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो स्टेटमेंट दे रहा है सेल्स करने के लिए उसमें गुड्स का नेचर बता रहा है या फिर बाहर को वो गुड्स फिट होगा या नहीं उसे वो बता रहा है ओके वो स्टेपुलेशन हो गए अब ये जो स्टेपुलेशन होते हैं ये स्टेपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर किया जा सकता है लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो उसमें फिर दो तरीके के होंगे अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट को उसकी वजह से कैंसिल किया जा सकता है तो उसको कंडीशन बोलते हैं और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो नहीं किया जा सकता लेकिन लेकिन गुड्स वगैरह का रिप्लेसमेंट हो सकता है तो उसको वारंटी बोलते हैं तो ये यहां पर कंडीशन एंड वारंटी के अंदर स्टेपुलेशन बहुत काम आता है अब यहां लिखा हुआ है प्राइस फॉर गुड्स मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी एग्रीड टू बी फिक्स लेटर ऑन हीन स्पेसिफिक मेथड जो प्राइस होती है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको या तो सेल करते टाइम फिक्स किया जाता है या कोई तरीका उस समय डिस्कस कर लिया जाता है कि बाद में इस तरीके से जो हम गुड्स की प्राइस को जो क्या करेंगे स्पेसिफिक uh, मैनर के अंदर तय करेंगे स्टेपुलेशन स्टेपुलेशन एज टू टाइम ऑफ ऑफ डिलीवरी आर द द एसेंस कॉन्ट्रैक्ट मेन जो काम आता है अधिकतर गुड्स की डिलीवरी के टाइम स्टेपुलेशन काम आता है हमारे ओके okay? तो ये था आपका सेक्शन नंबर यहां पर इलेवन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व की तरफ वो है कंडीशन एंड वारंटी के बारे में तो सबसे पहले तो हम कंडीशन पढ़ लेते हैं अ कंडीशन क्या होती है वैसे तो मैं आपको ये कंडीशन के बारे में बता चुका हूं है ना फिर भी हम देख लेते हैं देखो कंडीशन क्या होती है कंडीशन होती है आपकी अ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट होती है मुख्य पार्ट होती है द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ राइट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिप्यूडेटेड यानी कि अगर कोई स्टेपुलेशन ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत मेन पार्ट है और अगर वो स्टेपुलेशन या वो कथन या वो स्टेटमेंट या वो रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है जैसा सेलर ने बोला था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में अहम है इंपॉर्टेंट है तो उसको कंडीशन बोला जाता है और कंडीशन अगर उसको बोल दिया और कंडीशन पूरी नहीं हुई शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है कैंसिल किया जा सकता है उसको नकारा जा सकता है ना रिप्यूडिएटेड मतलब उसको नकार सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने जो है कोई कार परचेज़ करी ठीक है मान लेते कोई कंपनी है उसकी जाके कार परचेज करी उन कंपनी वालों ने बोला कि आपकी जो ये कार है ये आपको बिल्कुल फिट होगी कैसे फिट होगी क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी ले जिसमें मेंटेनेंस जीरो होना चाहिए मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप चाहते हैं ऐसी कार ले जो आपको बीस का माइलेज दे और आप ऐसी प्राइस पर इस गाड़ी को चाहते हैं ठीक है तो ट्वेंटी माइलेज का वो जो है माइलेज दे रही है है ना बीस का माइलेज दे रही है और वो आपके हिसाब से ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और इस प्राइस में जो आप बोल रहे हो वो ये कार आएगी अब ये किसने स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटेशन स्टेपुलेशन दे दिए ये दे दिए एक सेल्समैन ने तो यहां पर ये स्टेपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा कि भी का माइलेज देगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना ओके तो अब इसकी जगह ये स्टेपुलेशन दे दिया, दिया जाता था कि इस गाड़ी को कोई ये भी सेलिब्रिटी चला रही है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब अगर वो बंदा लेके जाता है गाड़ी को यूज़ करता है और उसको पता चलता है मैक्सिमम माइलेज जो है वो तो बारह या तेरह का या चौदह का ही निकल रहा है मैक्सिमम चौदह माइलेज दे रही है गाड़ी तो यहां पर ये जो स्टेपुलेशन थी ये उस कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी कि बीस का माइलेज नहीं दे रही है तो फिर वो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है और अपने पैसे वापस ले जा सकता है और अगर बायर राजी हो जाए तो उसकी जगह और कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कंडीशन इसको बोलते हैं ओके तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट होता है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आ, वारंटी ये कंडीशन हो गया अब वारंटी अब वारंटी क्या होती है वारंटी इज अ स्टेपुलेशन वारंटी भी स्टेपुलेशन है लेकिन कंडीशन भी स्टेपुलेशन है वारंटी भी स्टेपुलेशन है लेकिन दोनों स्टेपुलेशन के अंदर क्या है फर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा सो इट इज अ स्टेपुलेशन कॉलेट्रल टू द मेन परपज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये भी मेन पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट का द ब्रिच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डेमेजेस डेमेज के लिए क्लेम हो सकता है बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स यहां पर गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्या किया जा सकता है डैमेज जो हुआ है उसका क्लेम किया जा सकता है एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडेटेड है ना और यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसका क्या किया जा सकता है जो डेमेजेस हुए हैं आपको उसके लिए क्या किया जा सकता है आपको क्लेम मिल सकता है, है ना ओके जी तो यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे पता है अब हम पढ़ते हैं आगे वेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है वैसे कंडीशन में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जा सकता है लेकिन फिर भी फिर भी क्या कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करके डैमेजेस के लिए क्लेम पास किया जा सकता है हाँ ऐसी सिचुएशन है सबसे फर्स्ट बहुत इजी है ये चैप्टर अभी बहुत इजी होगा आगे व्हेन बायर मे फॉर हिज ओन बेनिफिट अ वॉलेंट्री वे स्टेपुलेशन जो मेन कंडीशन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है बायर जब उसको ही छोड़ दे माफ कर देंगे नहीं ये कंडीशन ओके इसको नहीं मानेंगे मैं तैयार हूं ये कंडीशन को जाने दो ऐसा कब करेगा जब बायर को उससे क्या हो रहा हो कुछ ऑन बेनिफिट उसका खुद का कुछ बेनिफिट हो तब उस मेन स्टेपुलेशन को जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है उस लाइन को उबारने से इनकार कर छोड़ो और देट्री मतलब उस इच्छा से नेक्स्ट तो यहां पर क्या होगा वो कंडीशन जो है जिससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था वो वारंटी में बदल जाएगा और डेमेजेस क्लेम हो सकता है नेक्स्ट वेन द बायर क्लेम ओनली डेमेजेज इंस्टेड ऑफ रिप्यूडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब बायर खुद बोलते कि मुझे पता है कि ये जो है इससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया जा सकता है लेकिन मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कराना है इसकी जगह जो है मुझे क्या कर दो ओनली डैमेजेस दे दो तो. नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो ओके okay? तो यहां पर कंडीशन क्या बन जाएगी वारंटी नेक्स्ट वेदर द कंडीशन इज नॉन सीवरेबल यानी कि जब जो गुड्स है ना उसका कुछ पार्ट उसमें दो तीन पार्ट है उनको अलग नहीं किया जा सकता तब फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है और जैसा वो बायर चाहता था वैसा है और कुछ पार्ट में थोड़ी गड़बड़ है तो यहां पर फिर वो डैमेजेस जो हुई है उसके लिए वारंटी के हिसाब से क्लेम पास किया जा सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता वेदर द फुलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ ऑफ रीजन ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज जब कानून लॉ कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भैया ये आप जो बोल रहे हो ये पॉसिबल नहीं है ये इम्पॉसिबल है इसलिए इसको कंडीशन में मत रखो इसको वारंटी में रखो और डैमेजेस के लिए आपको क्लेम पास किया जाएगा जब कानून लॉ एक्ट या कोर्ट ऐसा ऑर्डर देती है ओके तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी वारंटी बन जाएगी ओके जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्सप्रेस एंड एम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी देखो दो तरह की यहां पर वारंटी की और कंडीशन की बात चल रही है एक एक्सप्रेस कंडीशन एंड एक्सप्रेस वारंटीज ये क्या होती है पूरी तरीके से एक्सप्रेस होती है ऑर्ली या रिटर्न में दी जाती है कि जब भी कोई सेल्समैन गुड सेल कर रहा है तो सेल करते टाइम वो रिटर्न में ही सारी की सारी जो चीजें हैं उसको बता देता है सारी चीजों को अच्छे से समझा देता है तो ये जितने भी स्टेपुलेशन उसने दिए वो कौन से थे एक्सप्रेस पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस कर रखे हैं समझाए हुए हैं एक्सप्रेस कंडीशन आर अब पहले कंडीशन ले रहे हैं ठीक है विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज़ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस को समझा दी गई है ऐसी कॉन्ट्रैक्ट तो जिसके अंदर कानून ऐसा मानता है कि ये तो होगा हो ही होगा अब कोई फोर व्हीलर गाड़ी ले जा रहा है घर पे तो वो हाईवे पे चलने तो लायक होगी बिल्कुल सिंपल सी बात है तो ये लॉ ऐसा थोड़ी है कि आप हाईवे पे नहीं ले जा सकते उस गाड़ी को ओके तो ये क्या है इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वो होती है जो रिटर्न में या ऑरली नहीं होती है, वो उस गुड्स का नेचर होता है कि भाई इसको ले रहे हैं तो उसे ये होगा ही होगा है ना तो वो इम्प्लाइड होगी और विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ ऐसा मान लिया जाता है कि ये चीज़ इसमें होगी ही होगी तो दो तरह की स्टेपुलेशन यानी कि दो तरह की कंडीशन और वारंटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है एक एक्सप्रेस होती है रिटर्न में औरल में और अच्छी तरीके से पार्टी को समझा दी जाती है और एक मान लिया जाता है लॉ के द्वारा प्रिज्यूम किया जाता है कि ये तो होगा ही होगा इसको एम्प्लाइड बोलते हैं अब एक्सप्रेस वाला का तो हमारा इतना काम है नहीं इंप्लाइड जो कंडीशन या इंप्लाइड जो वारंटीज़ है उसको हम समझते हैं तो सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एम्प्लाइड कंडीशन एम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती है तो फर्स्ट एम्प्लाइड कंडीशन यहां पर आपके सामने है वन टू थ्री फोर इधर फिर ये फाइव फिर ये सिक्स और ये सेवन आपको ज़्यादा रट्टे नहीं मारने समझना है पॉइंट्स याद कर लेना कि एम्प्लाइड कंडीशन ये ही होती है ओके एम्प्लाइड कंडीशन ये ये होती है ये सिर्फ आपको पॉइंट्स याद कर लेना इसके अंदर आप खुद लिख सकते हैं ठीक है आइए वो आपको दिख रहा होगा कंडीशन एज अ टाइटल अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं कंडीशन एज अ टाइटल जब कंडीशन जो वो क्या हो टाइटल आपको अगर दिख रहा हो तो एक सेकेंड हाईलाइटर हाईलाइटर ले लेते हैं हाँ ये देखो अब दिख जाएगा कंडीशन एज टू टाइटल कंडीशन जो है वो क्या हो टाइटल टाइटल मतलब ओनरशिप अब या अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो उसको ओनरशिप तो मिलेगी ना तो ये अब कोई बोलने वाली एक्सप्रेस करने वाली चीज़ तो है नहीं ये तो इंप्लाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट में ओके नेक्स्ट सेल्स बाय सैंपल इसका मतलब ये होता है जो उस गुड्स की सेल की गई है वो सैंपल के बेसिस कई बार क्या होते हैं कुछ लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स उठाते हैं ठीक है थेके? लेकिन अब लार्ज क्वांटिटी सामने वाले के पास अवेलेबल नहीं है उसके पास तो एक सैंपल अवेलेबल है हमने सैंपल चेक किया हाँ भाई ऐसा ऐसा है क्वालिटी डिस्क्रिप्शन उसका सब देख लिया हमने बोला ये सेम सैंपल हमको इतनी क्वांटिटी में चाहिए अब बाद में जो वो गुड्स डिलीवर होगा वो सैंपल के हिसाब से होना चाहिए अगर है तो बढ़िया बात है नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा है ना ओके तो ये इंप्लाइड कंडीशन होती है नेक्स्ट कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ये माना जाता है कि जो गुड्स हम ले रहे हैं वो बायर के हिसाब से सही है उसको फिट होगा क्योंकि बायर ने अपनी सारी चीजें बता दी है कि उसको किस चीज किस तरीके का कौन सा गुड्स उसे फिट होगा और सामने वाले ने वही बोला है कि भैया ये वाला गुड आपको फिट हो जाएगा तो ये इंप्लाइड हो गया कि वहां ये हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन एज टू होल होल्समैननेस इसका मतलब होता है कि जो वो गुड्स है वो आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा यानी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकल uh, हेल्थ से रिलेटेड वो आपके लिए एकदम फिट रहेगा उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा ऐसा माना जाता है नेक्स्ट और अगर आपको ऐसा कुछ है तो वो पहले से ही डिस्क्राइब होना चाहिए सेल्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन देखो कई बार क्या होता है कोई कोई गुड्स क्या होते हैं उसमें सैंपल तो सामने दिख रहा है लेकिन हम क्या बोलते हैं बायर क्या बोलता है कि ये सेम चाहिए लेकिन इसमें ये ये चेंजेस कर देना जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने शर्ट दो दिया ये लार्ज है बहुत ज़्यादा मुझे ये लार्ज नहीं चाहिए मुझे मिड वाला चाहिए मिड वाला मतलब साइज का हिसाब कर रहा हूँ है ना स्मॉल साइज आती है मिड आती है लार्ज साइज आती है लार्ज साइज का ये शर्ट है ये बिल्कुल अच्छा है ऐसा ही सैंपल चाहिए ऐसी ही चीज चाहिए सेम यही चाहिए बट ये मिड साइज़ में मुझे चाहिए तो यहां पर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों बता दिए गए हैं तो ये इंप्लाइड हो जाएगा कि जो अब डिलीवरी होगी वो उस हिसाब से होनी चाहिए नेक्स्ट कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी मतलब हो गया कि भाई जो गुड्स है वो सेलेबल कंडीशन में है, है ना कि उसको सेल करने योग्य है उसको बेचा जा सकता है वैसे ये एक्ट में डिफाइंड नहीं है लेकिन इसका मतलब ये होता है नेक्स्ट आता है कंडीशन एज अ डिस्क्रिप्शन जैसा आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वैसा ही गुड्स होना चाहिए तो ये एम्प्लाइड कंडीशंस है किसकी ये एम्प्लाइड स्टेपुलेशन है किसकी कंडीशन की उस कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है अगर ये सब नहीं होता है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है क्योंकि पर कंडीशन है ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंप्लाइड वारंटी अब इंप्लाइड वारंटी में क्या होगा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा जो डैमेजेस है उसके लिए क्लेम पास कराया जा सकता है ठीक है तो इसके अंदर फर्स्ट क्या आता है वारंटी वारंटी एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशन भाई जो आप मुझे गुड्स दे रहे हो मैं किसी सेल्समैन से गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मैं ये मानूंगा ना कि इसमें कोई पोजिशन से रिलेटेड कोई ऑनरशिप से रिलेटेड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा यानी कि मेरे लेने के बाद में कोई और आके मुझे नहीं बोलेगा कि ये चोरी का माल था ये मुझे दे दो जैसे मैंने किसी से लैपटॉप परचेज कर लिया किसी कंप्यूटर शॉप से और पेमेंट कर दिया मैं लैपटॉप घर पे लेके आया दो चार दिन चलाया थोड़ा उसमें मिस्टेक आया मैंने वो रिपेयर भी करा दिया मेरा खर्चा हो गया अब कोई तीसरा बंदा आके बोल रहा है कि ये तो चोरी का है ये तो मेरा है और मैंने केस कर रखा है तो इस केस में जो सेलर है उससे मैं मेरा पूरा पैसा जो मैंने उसको पे किया है वो तो लूंगा ही लूंगा इसके अलावा उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने रिपेयरिंग वगैरह पे कुछ खर्च किया है तो वो भी मैं उसे लूंगा ठीक है तो ये डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट आता है आपका वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनक्यूम्ब्रेंचेस इसका मतलब है उस ये भी इसी की तरह है है ना थोड़ा सा ये पोजिशन से रिलेटेड ही है कि जब वो गुड्स डिलीवर हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो गुड्स सिंपली मैं डिलीवर करूँ और उसको यूज कर सकूँ तो ना डिलीवरी में ना यूजेज में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे ने उस गुड्स के ऊपर जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसने लोन उठा रखा गुड्स में लेके आया लोन वाली कंपनी मेरे पास आ गई ऐसा नहीं होना चाहिए ओके तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए नेक्स्ट डिस्कलोजर ऑफ डेंजरियस नेचर ऑफ़ गुड्स अगर गुड्स से रिलेटेड कुछ भी उस गुड्स का ऐसा नेचर है जो डेंजर है बहुत ज़्यादा डेंजर है है ना तभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो उसके ऊपर लिखा होता है ना इस चीज़ को बच्चों से दूर रखे इस एज के बच्चे इसको यूज़ नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते है ना तो अगर ऐसा कुछ उसका डेंजरस नेचर है और वो मुझे अगर पता नहीं है बायर को पता नहीं है तो फिर उसको बता दिया जाना चाहिए अगर नहीं बताया गया है और कहीं पर नोट भी नहीं है उसका लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पर तो फिर जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए क्लेम किया जा सकता है नेक्स्ट वारंटी एज़ टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड देखो भाई जो जो गुड्स हैं उसकी जो क्वालिटी है उसका जो फिटनेस है फिटनेस मतलब वो मुझे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है है ना उसका यूज़ में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ वो ट्रेड में यूज हो सकता है कि नहीं आगे बेचा जा सकता है कि नहीं तो ये सब चीज़ें जो है वो वारंटी के अंदर शामिल होती है तो क्वालिटी वगैरह में फिटनेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर वहां पर डेमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं तो पॉइंट याद कर लेना अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं नेक्स्ट आगे आता है कैवियट इंपोर्टर ये क्या है कैवियट एमटोर भी बोलते हैं इसको कैविएट एमटोर ये कैविएट एमटोर के ऊपर सेक्शन नंबर 16 लगता है ठीक है अभी तक जो हमने डिस्कस किए ना वो सब थे सेक्शन नंबर 14 से लगाकर 17 तक ठीक है ये है सेक्शन नंबर 16 तो सेक्शन नंबर 16 जो है वो है कैविएट एम्पोटर कैविएट एम्पोटर क्या बोलता है ये एक डॉक्ट्राइन केस है इसके अंदर ये बोला जाता है कि भैया सब कुछ जो है वो सेल्समैन नहीं करेगा कुछ तो बायर को भी थोड़ी सी आंखें खुली रखनी पड़ेगी वो अगर बायर ऐसा करता है ये आया और ये फटाफट से गुड्स लेके चला गया है ना? ऐसा अगर करेगा तो फिर यहाँ पर सेल्समैन की कोई गलती नहीं है यानी कि जो कस्टमर है जो बायर है उसको भी आंखें खुली रख कर के गुड्स को अच्छे से चेक करके फिर ले जाना चाहिए सामने गुड्स हो, हो रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं चला के देख सकते हैं उसका सब कुछ चेक करने के बाद आप लेके जाइए अगर आप आंखें बंद करके कोई भी गुड्स बंद उठा के ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो सेलर है उसकी कोई मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं होगी और ना उसके लिए डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं और ना ही फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो किया जा सकता है ओके okay? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ द रूल ऑफ कैवियट एम्प्टोर इज लेड डाउन इन द सेक्शन सिक्सटीन विद स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इस प्रोविजन एनी अदर लो और कोई लो ऑफ टाइम बींग इन्फोर्स जो भी समय समय पर लगेगा देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी यहाँ पर कोई इंप्लाइड वारंटी नहीं होगी और कोई भी कंडीशन इंप्लाइड नहीं होगी अभी हमने इंप्लाइड समझा ना कि अगर आपने नहीं समझा है आप ये माना जाएगा कि ऐसा होगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि ऐसा होगा है ना अगर आप बिना चेक किए हुए कुछ भी परचेज करके लेके चले जाते हैं तो और उसमें सेल्समैन से पूछते भी नहीं है कि मुझे फिट होगा या नहीं होगा है ना तो फिर यहां पर ये वियट एपटोर वाला रूल लग जाएगा और देर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन और वहाँ ना इम्प्लाइड वारंटी मानी जाएगी ना कंडीशन मानी जाएगी ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा ना ही जो डेमेजेस है उसके लिए क्लेम पास कर सकते हो ओके एज टू गुड्स सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कोई भी गुड्स अगर सप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर कैवियट एम्पोर्टर का रोल भी लगता है वो तब लगता है जब कस्टमर आके बंद करके बिना चेक किए हुए सब कुछ कुछ भी खरीद के लेके चला जाता है सेल्समैन से कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं करता है तो लेकिन यहां पर जो कैियट एम्पोर्टर है इससे इसका फायदा उठा करके सेल्समैन जो है ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों को बेवकूफ़ बना दे इसीलिए यहां पर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं यानी कि वहां पर केवियट एम्पोर्टर वाला डॉक्टर नहीं लगेगा वो एक्सेप्शन वो अपवाद बताऊँगा यानी कि वहां पर अगर ये नहीं लगेगा तो यानी कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कराया जा सकता है और वारंटी के लिए डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट है तो देखिए सबसे पहला आता है फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज देखो अगर आपने जिस पर्पज से उसको लिया है गुड्स को है ना तो वो आपने सेल्समैन से पहले डिस्कस कर लिए थे कि भैया ये मुझे 20 माइलेज गाड़ी देनी चाहिए है ना पर मिल इतना एवरेज देनी चाहिए अगर 20 माइलेज का एवरेज नहीं देती है तो फिर वो मेरे लिए फिट नहीं है तो आपने फिटनेस क्वालिटी पहले ही बता दी है और सेल्समैन ने उसके ऊपर हाँ भरा है तो फिर यहाँ पर कैवियट एम्पोर्टर वाला डॉक्टर नहीं लगेगा यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर किया जा सकता है डेमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं गुड्स परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम हम कोई भी ब्रांड नेम गुड्स परचेज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ गाड़ीज़ है जो सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी हैं वो ब्रांड नेम से हम खरीदते हैं कि ये वाली कंपनी जो है इसकी गाड़ी फाइव स्टार रेटिंग की गाड़ियाँ आती है सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी है इसलिए खरीदते हैं कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेंटेनेंस जीरो होती है सेफ्टी बाढ़ में जाए वहाँ पर तो वो मेंटेनेंस जीरो या माइलेज बहुत अच्छा देगी उस परपज़ज से खरीदते हैं तो ब्रांड नेम के हिसाब से भी तो लोग जाते हैं ना तो उस ब्रांड से उनका एक्सपेक्टेशन यही था तो वहाँ पर एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी मानी जाएगी कि केवियट एम्पोटर लागू नहीं होगा नेक्स्ट सेल बाय सैंपल सैंपल देख लिया था उस हिसाब से सेल किया जा रहा है अब सैंपल जैसा नहीं है तो यहाँ पर ये कैियट एम्पोर्टर लागू नहीं होगा और वहां पर जो है कंडीशन और वारंटी मानी जाएगी गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी यानी कि वो आगे वो गुड्स की जो क्वालिटी वो बेचने योग्य थी बिल्कुल अगर बेचने योग्य थी फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर केवी टेम्पेटर लागू नहीं होगा गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमने आपने उस हिसाब से ही हमको गुड्स भेजा है लेकिन उस डिस्क्रिप्शन में जो हमने चीज़ें बताई थी वो नहीं है उस गुड्स के अंदर तो कैट टेम्पर लागू नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या वारंटी के लिए क्लेम पास किया जा सकता है गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सैंपल भी था डिस्क्रिप्शन हमने कुछ उस गुड्स के अंदर चेंज करवाए थे अगर आपने वो चेंज करके नहीं दिए तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या फिर डैमेजेस के लिए क्लेम पास किया जा सकता है ट्रेड यूजेस यानी कि उसको आगे ट्रेड यूजेस किया जा सकता है बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में खरीद के बेचते भी तो है ट्रेडिंग मतलब व्यापार के लिए भी यूज कर सकते हैं तो अगर वैसा यूज आपने बता दिया था सामने वाले को लेकिन वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए ट्रेड पर्पज के लिए फिट नहीं बैठ रहा है तो वहाँ पर केवी टेम्पोटर लागू नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है यानी कि कंडीशन मान के वारंटी के लिए डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं ओके okay? ठीक तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है हम इसको बढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज़ ज्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट लाते रहे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू